बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी के चैप्टर 7 के हवाले से है, जिसके लास्ट वीडियोस में हमने पार्ट ए और पार्ट बी को स्टडी किया था। आज हम पार्ट सी को देखेंगे, जो कि डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, यानी जिस शख्स को हब से बेजाय में रखा गया है, रॉन्गफुली उसको कन्फाइंड किया गया है, तो उसको कैसे डिस्कवर किया जाएगा। तो इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 100 है यहाँ पर, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, कि जिस शख्स को हब्से बेजाय में रखा गया है उसको सर्च किया जाएगा। इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट के पावर्स को बताया गया है, मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है ऐसे शख्स के हवाले से जिसको रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है। तो इसमें कहते हैं इस सेक्शन में कि इफ़ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज़ कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। इसमें कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है उसको ये बिलीव हो जाए, उसको यकीन हो जाए कि हाँ किसी शख्स को रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है, और ऐसे सर्कमस्टांसिस में कन्फाइंड किया गया है कि वो जो कन्फाइनमेंट है वो एक ऑफेंस को तश्कील दे रहे हैं, यानी वो सर्कमस्टांसिस एक ऑफेंस बनाते हैं, तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो सर्च वारंट इशू करेगा जिस शख्स को कन्फाइंड किया गया है उसके हवाले से सर्च वारंट इशू जारी करेगा, और अदालत जो है वो किसी भी शख्स को, किसी ऑफिसर को डायरेक्शंस दे सकती है उस शख्स के हवाले से जो कन्फाइंड है कि वो जाके उसको सर्च करें। तो फिर वो जो शख्स है जिसको डायरेक्शंस दी गई हैं वो जाएगा और अदालत के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक सर्च करेगा उस शख्स को, और वही शख्स जिसको तलाश करना है वो अगर मिल जाए तो फौरी तौर पर उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और फिर वो जो मजिस्ट्रेट है उस सर्कमस्टांसिस के हवाले से एक प्रॉपर ऑर्डर जारी करेगा। तो इस सेक्शन का एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि जैसे पुलिस की जिम्मेदारी है कि जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब पुलिस उस शख्स को अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो ये जो सर्कमस्टांसिस है ये एक ऑफेंस बनाते हैं। इसके अलावा कोई ज़मींदार या जागीरदार जो अपने मज़दूरों को कन्फाइंड करके रखते हैं तो उन ये सर्कमस्टांसिस भी जो है एक ऑफेंस बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आपको आज का ये सेक्शन, ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और मज़ीद आगे लेक्चर के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।